फिजिकल मेंटल कॉग्निटिव सोशल इमोशनल सब एबिलिटीज को बरुए कार लाते हैं खेल के दौरान तो एक तो ये कि जिस बच्चे के अंदर जितनी ज्यादा सलाहियत होगी वो जितना ज्यादा मेंटली एक्टिव होगा उतना ज्यादा खेल खेलेगा ये तो आपने पुराने जमाने में भी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि बच्चा और बंदर अगर आराम से बैठ जाए तो इसका मतलब है कि वो ठीक नहीं है बीमार है फर्स्ट एंड देन सेकेंड इट अलाउज फॉर सोशल डिवेलपमेंट देखिये बच्चे की सोशल डेवलपमेंट उसके इर्द गिर्द की अशिया और लोगों के इंटरक्शन से हो उसके इर्द गिर्द पियर्स हैं डॉल्स हैं दूसरे खिलौने हैं जीप हैं गाड़िया हैं सुपरमैन है क्या है उसके इर्द गिर्द और वो जो आम घर के चीजें होती हैं उन इनको भी बच्चे बड़ी अजीबो गरीब तरीके से इमेजिन करते हैं हम तो उस भी नहीं सकते कोई पेंसिल को, को इंसान का कैरेक्टर दे सकते हैं इरेजर को बच्चे का कैरेक्टर दे सकते हैं तो इस तरह से बच्चों की जो मेंटल uh, डेवलपमेंट है जो इमोशनल डेवलपमेंट है जो सोशल डेवलपमेंट है वो खासतौर पे खेल के जरिए होती है फिर ये कि इनका इमेजिनेशन इनकी क्रिएटिविटी और इनकी पावर ये तीनों जो है खेल के दौरान डेवलप करते हैं देखिए जैसे मैंने अर्ज किया कि बच्चे किसी मामूली सी चीज़ को कोई बहुत बड़ा कैरेक्टर दे सकते इमेजिन कर और कुछ स्टोरीज जब आपको बताते हैं कि ये बच्चा ये जो इरेजर है ये बच्चा है ये स्कूल जा रहा है और ये इसकी टीचर उसको ये कह रही हैं या ये जंगल में जा रहा है सामने से शेर आ गया है इस तरह की चीजें वो इमेजिन करते हैं जो उन्होंने अब तक सुनी हुई होती हैं या कहीं उन्होंने ऑब्जर्व की हुई हैं या समाइम्स तो उनको असम्बल करके वो नई चीजें बनाते हैं फिर यह सिमुलेट्स द ब्रेन Which enhances early development, learning and memory, and plays, प्लेस creative thinking. देखिए बहुत से ऐसी रिसर्चेस और बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जिसमें अगर बच्चों को कन्फाइंड माहौल में रखा जाए तो वो बहुत कम सीखते हैं यानी जहां उनको खेल का मौका ना दिया जाए और यहां फिर एक नई बहस भी आ जाती है कि खेल को इंडोर होना चाहिए या आउटडोर होना चाहिए तो हमारे जो साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि आउटडोर का जो खेल है वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि वहां पे नेचुरल सेटिंग है बर्ड्स की चर्पिंग है वहाँ दृत है वहाँ घास है वहाँ ताज़ा हवा है तो ऐसी बहुत सी चीजें जो हैं वो बेहतर तौर पे बच्चे की जहनी नशो नुमा के लिए जरूरी हैं तो अब ब्रेन जो है आपका अगर आपको काफी सारी चीजें एकदम से आपके सामने आएंगी तो ब्रेन स्टिमुलेट होगा और बच्चे उन चीज़ों को पहले पहचानेंगे रिकगनाइज करेंगे फिर उनके बीच में रिलेशनशिप तलाश करने की कोशिश करेंगे कोई कहानी कोई स्टोरी कोई सीक्वेंस बनाने की कोशिश करेंगे ये सब यहाँ क्यों मौजूद हैं इनका किसी से क्या ताल्लुक है और वो इनके साथ क्या कर सकते हैं देन प्ले ऑल्सो हेल्प विद लैंग्वेज लर्निंग विजुअल एंड स्पेशल स्किल्स तो भाई ये बात तो तय है कि बच्चे जब खेलेंगे तो बात भी करेंगे अपने करेक्टर के साथ अपने पीयर के साथ और कभी कभी आपने उनको खुद कलामी करते हुए भी देखा होगा यानी कोई भी पास नहीं है लेकिन वो बातें कर रहे हैं तो वो उनके दिमाग के अंदर जो कुछ चल रहा होता है उसे एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं दे प्रिट प्ले कैन फेसिलिटेट एम्पल्स कंट्रोल एंड इमोशनल रेगुलेशन देखिए प्रिट प्ले का मतलब ये है कि आप कुछ बन जाते हैं जैसे मामा बाबा डॉक्टर टर्स या कुछ बेचने वाला और कोई भी कैरेक्टर जिसमें बच्चे इमर्स हो जाते हैं तो फिर वो उनके बारे में किस्म की जबान भी इस्तेमाल करते हैं यानी जबान भी सीखते हैं छोटी छोटी लगात कि ये, ये कर रहा है ये पानी पी रहा है मेरी डॉल खाना खा रही है तो वो सारी ऐसी चीजें हैं जिससे उनकी वैकेबलरी में भी इजाफा होता है दूसरा ये कि उनका इमोशनल कंट्रोल बनता है अपने जज्बात पे कंट्रोल करते हैं बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों को हैंडल करते हुए खुशी गुस्से के जज्बात को ज़ाहिर करते हैं तो उनको अंदाजा होता है कि किस मौके पर कौन सा जज्बा जो है वो दिखाना चाहिए ये सैड है कोई डायलॉग या ये हैप्पीनेस का डायलॉग है कभी आप गौर से उनको प्ले को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि उनकी ऑब्जर्वेशन जो है वो कितनी स्ट्रॉग है और कितनी खूबसूरती से वो चीज़ों को वाजे कर रहे हैं फिर प्ले कैन ऑल्सो टीच रिलेशनशिप जब हम बच्चों को एक मजमुई खेल फ्राहम करते हैं जैसे चंद बच्चे मिलकर खेल रहे हों तो वो टीम बना रहे होते हैं साथी ढूंढ रहे होते हैं तो उनके बड़े रिश्ते मजबूत डेवलप होते हैं इसी को हम अब इस एक वीडियो जो हमने यहाँ पे आपको दी है इसको जरूर देखिएगा कि खेल जो है वो बच्चों के लिए क्यों जरूरी है और उसके उनकी जिंदगी पे क्या असरा मुरतब होते हैं ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि जो बच्चे बचपन में ज्यादा खेलते हैं वो बड़े होकर बहुत मजबूत और अच्छे इंसान बनते हैं जिनको सारी दुनिया के लोगों के साथ डील करना आता होता है